सो हे वट्स एपल्स में वी शेक एंड यूर वॉचिंग एज यूजल एल्फा अभी तो आज के इस वीडियो के अंदर so, मैं डिस्कस करने वाले हाउ टू कन्विंस योर पेरेंट्स फॉर लेटिंग यू टू स्टडी एब्रॉड सो मैं डिस्कलेमर देना चाहता हूँ डिस्क्लेमर ये है कि योर फैमिली इज़ फाइनेंशियली एंड इकोमिकली स्टेबल सो so, आगे शुरू करते हैं क्योंकि अगर ये बात क्लियर है तो आगे शुरू करते हैं सो so, जो मेन मैं देखो मैं बता दूँ कि मैं क्या कहते हैं फोर्थ ईयर के अंदर हूँ आई एम फोर्थ ईयर मेडिकल स्टूडेंट इन ऑर्नबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी रशिया सो माय मेन कंसर्न ऑफ माय पेरेंट्स वो कि सेफ्टी तो सेफ्टी है कि नहीं रशिया के अंदर पहला कंसर्न तो उनका वही था कि सेफ्टी होनी चाहिए वहाँ पे तुम जा रहे हो तो कहीं ऐसा ना हो कि वहाँ पर कहीं वहाँ पर रेशल डिस्क्रमिनेशन हो तुम्हारे साथ या फिर बेसिकली नहीं हो तुम तुम्हारे लिए सूटेबल बट यहाँ पे मैं जब आया मतलब उससे पहले मैंने रिसर्च करी थी क्या यहाँ पे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है कि नहीं होता तो यहाँ पे नहीं होता रेशियल डिस्क्रिमिनेशन पहले मुझे लगा था कि होगा क्योंकि ऑफकोर्स रशिया है थोड़ा थोड़ा हमने सुना होता है कि बॉर्ड का लोग यहाँ पे ज़्यादा ड्रंक रहते हैं ठीक है कुछ कुछ बातें सुनी थी तो ये डाउट था मेरे दिमाग में कि ये चीज़ होगी कि नहीं बट थोड़े टाइम रिसर्च करने के बाद आई आई गॉट माई आंसर कि ऐसा नहीं होता यहाँ पर ये सब सिर्फ हमारी सुपरस्टिशन है या फिर हमारा क्या कहते पर्सपेक्टिव हमने बना लिया बिना सोचे समझे वो था तो सेफ्टी वाला मैटर यहाँ पे नहीं था सो so, मेरे पेरेंट्स को मैंने समझाया कि यहाँ पे सेफ्टी है इंडियंस को लेकर ऐसा कुछ नहीं इनफैक्ट In इंडियंस को लेकर ये लोग कुछ ज़्यादा ही हाइपर एक्टिव हो जाते हैं मतलब स्टार्टिंग स्टार्टिंग में जब हम लोग नए नए आए थे यहाँ पे तो दे वर यूज़ टू अस लाइक सेलिब्रिटीज़ लाइक like, लिटरली वो हमें बुलाते थे हमारे साथ साथ फ़ोटो खिंचवाते थे बोलते थे कि एक तो लड़की ने मेरे को बोला था कि आप प्रिंस हो जी हाँ मैं प्रिंस हूँ मैं नजफ़गढ़ का प्रिंस हूँ <laughs> वो बोलती आपके पास हाथी है तो मैंने बोलना हाँ हाथी है दो दो हाथी हैं <laughs> तो उनको ये लगता है कि हम लाइक बहुत ज़्यादा सेकेंड इशू जो मेरे पेरेंट्स ने फेस किया था वो ये था कि वहाँ की लेवल ऑफ़ एजुकेशन क्या है ये बड़ा ही कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक है क्यों क्योंकि जो एम की पासिंग परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा लो है मतलब इतनी लो है जैसे ट्वेंटी परसेंट ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव परसेंट ये ऑन एवरेज चलती है ठीक है तो मतलब सौ में से सिर्फ बीस से पच्चीस बच्चे पास होते हैं इसकी रियलिटी क्या है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा इसमें तो नहीं कर रहे तो ये मेरे पेरेंट्स के दिमाग में बहुत ज़्यादा वो था तो मैंने उनको सम्हा कन्वेंस करा कि नहीं मैं कर सकता हूँ मेरे अंदर कैलेबर है मैं मेहनत करूँगा वहाँ जाके तो सबसे पता है क्या मेन जो टर्निंग पॉइंट था मेरे पेरेंट्स के लिए वो ये था कि जितना भी एडमिशन का प्रोसेस था लोन का प्रोसेस था मेरे वो मैं सब खुद कर रहा था मैंने खुद से अपनी यूनिवर्सिटी डिसाइड करी कि मैं और उन जाऊँगा अपना बजट वजट के हिसाब से सब सब, सब एजुकेशन के हिसाब से मैंने खुद रिसर्च करी यहाँ पे कुछ सीनियर्स थे जैसे कि डॉक्टर देविंदर सिंह उनसे मैंने बात करी थी यहाँ पर अब वो फुल फ्लज डॉक्टर हो गए तब वो फिफ्थ ईयर में फिफ्थ ईयर के एंड में थे ठीक है तब मैंने उनसे बात करी थी तब उन्होंने मेरे को समझाया था कि यहाँ पे ऐसे ऐसे होता है ये चीज़ होती है ये चीज़ नहीं होती तो वो क्या चीज़ें नहीं होती हैं होती हैं वो एक डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है आप उसको भरिए वहाँ पर हम वन ऑन वन टॉक कर सकते हैं तो मैं आपको बता सकता हूँ क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो मैं ऑन कैमरा नहीं कह सकता हूँ ठीक है तो वैसे ही मैंने उनसे बात करी और उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पे क्या है क्या नहीं है और कैसे है ठीक है ये मेन चीज़ थी तो उससे मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प मिली एंड और जितना भी मैं आ, काम कर रहा था जितना भी मैं एजुकेशन से मतलब जितना भी मेरा एडमिशन से रिलेटेड काम था जितना भी मेरा एडमिशन से रिलेटेड काम था वो मैं खुद कर रहा था तो मेरे पेरेंट्स को लगा कि ये अपने फ्यूचर को लेके सीरियस हो रहा है ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है तो उनको लगा कि आई थिंक दे कैन ट्रस्ट सो मैंने जितना भी अपना लोन का था जितना भी एडमिशन का था वो सब मैंने अरेंज करा मेरी फैमिली ने मेरे को फाइनेंशियली सपोर्ट करा बेसिकली आई एम गो नो पे माई लोन बाई माई सेल्फ बट मेरी फैमिली ने को लेटरल के अंदर उन सब के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प करी तो थैंक यू सो वेरी मच इस चीज़ के लिए तो एक ये चीज़ थी तो उनको लगा कि यार अगर ये बंदा अपने आप से उठ के सारी चीज़ें कर रहा है आई थिंक ही इज़ गेटिंग सीरियस अबाउट हिज करियर ही इज़ गेटिंग अबाउट सीरियस अबाउट हिज फ्यूचर तो उनको ट्रस्ट आ गया तो जहाँ ट्रस्ट आ जाता है वहाँ चल जाती है गाड़ी सही बताऊँ सो थर्ड पॉइंट जो तो मैंने बोला है वो है ट्रस्ट और तो कोई सच मेरे को कोई पॉइंट याद नहीं आ रहा है एक काम करता हूँ मैं अपने पापा से खुद ही पूछ लेता हूँ कि उनको क्यों ऐसा लगा कि मेरे को यहाँ आना चाहिए ओके okay. <coughs> सो so, मेरे पापा का कॉल आया था मतलब मैंने पापा से बात करी तो उन्होंने बोला कि वही सारी चीज़ें ट्रस्ट वाला जो मैंने बताया आपको उनको उस चीज़ का डर था उनको यहाँ पे सेफ्टी के बारे में डर था और सबसे ज़्यादा उनको हेल्प करी थी कन्विंस होने में वो थे ब्लॉग्स जी हाँ उन्होंने देवेंद्र भैया के बहुत सारे ब्लॉग्स देखे थे खुद से ठीक है उनने लाइक लिटरली बिंज वॉच करा था उन्होंने देखा था कि यहाँ पे कैसे होता है क्या होता है इधर के हॉस्टल्स कैसे हैं इधर का सब कुछ कैसा है लाइफस्टाइल कैसा है जब वो थोड़ा बहुत श्योर हुए सारी चीज़ें देखने के बाद क्योंकि क्या होता है एक बात होती है जो आप सुनते हो कि वो सही है आपने अपने पेरेंट्स को बताया कि मम्मी पापा ये चीज़ ठीक है ठीक है यहाँ पे सारी चीज़ें सही होती हैं कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगी हम फेस कर लेंगे और कुछ चीज़ ये होती है कि उनको वहाँ का कुछ ग्लिम्स मिल जाए कि ये चीज़ वहाँ पर है ऐसे क्लासेज़ हैं ऐसे हॉस्टल्स हैं ऐसी स्ट्रीट्स हैं ऐसे लोग हैं वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा हेल्प होती है तो हम आपको सजेस्ट कर सकते हैं कि आप हमारे व्लॉग्स अल्फा अभी वाले व्लॉग्स वो आप दिखा सकते हैं अपने पेरेंट्स को और जाके बता सकते हैं कि यहाँ पे ऐसा होता है वैसा होता है और हमें बड़ा ही अच्छा लगेगा ऐसे हमारे चैनल की ग्रोथ होगी और क्या पता आपके पेरेंट्स भी कन्विंस हो जाए मेरे तो हो गए थे ठीक है उन्होंने लिटरली बिंज वॉच करी थी देवेंद्र भैया की वीडियोज़ तो मेरे तो हो गए थे और मेरे कुछ जूनियर्स हैं उनके उनने भी अपने पेरेंट्स को मेरी वीडियोज़ दिखाई थी तो वो भी हो गए थे तो यहाँ हम थोड़ा सेल्फ़ प्रमोशन कर रहे हैं थोड़ा आपके लिए भी फ़ायदा है हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा है तो प्लीज़ ठीक है अगर यह चीज़ आप कर सकते हो आप यहाँ मेरे व्लॉग्स दिखा सकते हो उनको और काफ़ी अच्छे अच्छे व्लॉग्स हैं मेरे चैनल पर काफ़ी ठीक ठाक एडिटिंग कर लेता हूँ मैं तो देखने में मज़ा भी आएगा इंटरटेनिंग भी है यहाँ मेरे व्लॉग्स तो आप उनको दिखाओगे तो शायद वो कन्विंस हो सकते हैं तो क्या ये तो सेल्फ प्रमोशन वीडियो बन गई बट यही अरे भाई मैंने ऐसे ही कन्वेंस करा था अपने पेरेंट्स को यहाँ के बारे में दिखा के या सो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ यार लाइक कर दो कमेंट कर दो शेयर कर दो कर दो यार यहाँ तक देख रहे हो तो यार कमा बनता है मैं देख रहा हूँ यार बहुत सारे लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो गलत बात है यार कर दिया करो सब्सक्राइब अच्छा लगता है मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर डल देन इट्स मे बी शेक एंड यू वॉच एक एज यूजअल एल्फा भी